हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है सहजन की दाल, और इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में ले लिया है 2 चम्मच तेल। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और कुछ कड़ी पत्ते। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। आप यहाँ पर लहसुन को क्रश करके भी ले सकते हैं। फिर हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गोड़ा मसाला या काला मसाला। फिर हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग। अब एक बार इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे मध्यम आकार का कटा हुआ टमाटर। अब मैं टमाटर को अच्छे से गल जाने तक पका लूँगी, और मसाले जले ना इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। 2 से 3 मिनट तक पका लेने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 सहजन की फलियाँ, जिसे मैंने 3 इंच के टुकड़ों में छील कर काट लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप अलग से भी सहजन की फलियाँ इसमें गला कर डाल सकते हैं, पर एक बार इस मेथड से बना कर देखिए, आपकी दाल का टेस्ट नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। अब मैं ड्रमस्टिक को मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी और स्वाद के अनुसार नमक। अब हमें इसे ढककर 10 मिनट तक या फिर ड्रमस्टिक गल जाने तक पका लेना है, और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। इस मेथड से पकाने से फ्रेंड्स हमारे ड्रमस्टिक और मसालों का टेस्ट आपस में अच्छे से मिल जाएगा, और इसकी वजह से हमारे दाल का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए लगभग 10 मिनट के बाद सहजन की फली अच्छे से गल चुकी है। देखिए फ्रेंड्स हो गया ना काम आसान, यहाँ पर हमने समय की भी बचत कर ली। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप उबली हुई अरहर की दाल या फिर तूर की दाल, जिसे मैंने नमक हल्दी और चुटकी भर हींग डालकर गला लिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ पीसेस कोकम के और गुड़। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और दाल की कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत है तो पानी डाल देंगे। मुझे तो यहाँ पर दाल परफेक्ट लग रही है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। हाँ फ्रेंड्स, नमक चक्कर ही डाले, क्योंकि हमने सहजन की फली और दाल दोनों गलाते वक्त नमक डाला था, इसलिए नमक की ज़रूरत हो तो डालें। अब हम इसे 1/2 कवर कर लेंगे और धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे, और लीजिए तैयार है हमारे सहजन की फली की दाल। इसे आप रोटी के साथ खाइए, या प्लेन राइस के साथ, या फिर जीरा राइस के साथ। है ना कितनी सिंपल, इजी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।